नेताओं अफसरों की जासूसी करवाने के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को केजरीवाल सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सीबीआई की जांच की मंजूरी दे दी है। भाजपा ने सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों, विपक्षों दलों, विभिन्न संस्थाओं और लोगों की जासूसी कराई। विजिलेंस विभाग के मंत्री होने के नाते सिसोदिया पर ये आरोप लगाए गए हैं। शिवसेना का नाम और निशान मिलने के बाद मंगलवार को शिवसेना सिंधे गुट कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। बैठक में वीर सावरकर को भारत रत्न देने और स्थानीयों को सरकारी नौकरी में 80% कोटा देने समेत कई प्रस्ताव पास हुए। इसके साथ ही बैठक में एकनाथ शिंदे का शिवसेना का मुख्य नेता चुना गया, हालांकि उन्हें शिवसेना प्रमुख नहीं कहा गया है। कुबेरेश्वर धाम में ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल की आज ड्यूटी थी, उससे पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुबेरेश्वर धाम में पिछले 6 दिन में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हेड कांस्टेबल समर सिंह भदौरिया भोपाल के थाना अजाक में पदस्थ थे। कुबेरेश्वर धाम ड्यूटी पर हुए आए थे और पीजी कॉलेज में रुके थे। आज सुबह करीब 8 बजे उनको हार्ट अटैक आया। मध्य प्रदेश से हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन भरे जाने शुरू हो गए हैं। 10 मार्च तक आवेदन भरे जाएंगे, बदले में फीस 1 रुपए भी नहीं लगेगी। अब की बार भोपाल और दोनों जगह से सीधे फ्लाइट उड़ेगी। नेशनल हज कमेटी ने इंदौर में भी फ्लाइट उड़ाने की मंजूरी दे दी है। वहीं पिछले साल की तुलना में अब की बार हज का खर्च एवरेज 50,000 रुपए तक कम रहेगा। राम स्रष्टा भी है और राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और राम दृष्टि भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। विक्रमोत्सव 2023 के अंतर्गत मंगलवार रात कालिदास अकादमी परिसर में प्रख्यात कवि एवं लेखक डॉक्टर कुमार विश्वास की राम कथा में भगवान श्री राम की ये पंक्तियां भजन के रूप में गूंजी तो पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। महापौर का कहना है कि सरकार पूरी तरह से शराबबंदी नहीं कर सकती क्योंकि शराब से दवाई बनाई जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने शराब का महिमा मंडन करते हुए कहा कि युगों युगों से समाज में मदिरा पान का चलन है। पहले सिर्फ उत्सवों में शराब पी जाती थी लेकिन लोगों ने इसे आदत बना ली। महापौर यहाँ भी नहीं रुके, वह लोगों से कहते नजर आए कि लोग कहते हैं कम पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है जबकि अधिक पीना स्वास्थ्य और परिवार के लिए हानिकारक है। मध्य प्रदेश में अब की बार जितनी देर तक ठंड पड़ी उतनी ही गर्मी भी सताएगी। फरवरी में ही प्रदेश के कई शहरों में दिन का पारा 36 डिग्री के पार पहुंच चुका है जबकि रातें भी गर्म हैं। प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी समेत 9 गांव भी गर्म हैं। फरवरी में पारे में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी लेकिन मार्च के पहले सप्ताह से ही गर्मी का तेवर और भी तीखे हो जाएंगे। दूसरे पखवाड़े में तो ज्यादातर शहरों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 114 रन से हरा दिया। कैपटाउन के न्यूजीलैंड मैदान पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 5 विकेट पर 213 रन बना डाले। 214 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 20 ओवर खेलकर 9 विकेट पर 99 रन ही बना सकी। इस मैच के नतीजे के साथ ही यह तय हो गया कि इंडिया वुमेन्स टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। पठान से धमाल मचाने के बाद अब शाहरुख खान जल्द जवान और डंकी लेकर आ रहे हैं। दोनों की शूटिंग इन दिनों तेजी से चल रही है। दोनों ही फिल्मों की शूटिंग अपने अंतिम फेज में है। जवान की शूटिंग महज 20 से 30 दिनों में पूरी हो जाएगी। इसकी शूटिंग करीब 130 दिनों तक चल चुकी है। बाकी बचा हुआ काम मुंबई में पूरा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये चेस सीन है जिसमें शाहरुख खान का डबल रोल दिखाया जाएगा। मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने लाहौर में खुले मन से कह दिया कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। इस पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। वो आतंकी नाव से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे। वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं तो ये शिकायत अगर हर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए।